हेलो फ्रेंड, आज की हमारी रेसिपी है अंडा करी जो विदाउट प्याज लहसुन के बना है। बहुत ही सिंपल रेसिपी है। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करिए। हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल इजी कुकिंग में। यहाँ पे हमने उबले हुए अंडे और साथ में उबला हुआ आलू ले लिया है। यहाँ पे 4 अंडे हैं। अंडों को छीलने के बाद हम इस तरह से थोड़े से कट लगा लेंगे जो अच्छे से मसाला अंदर चले जाए। साथ ही हम आलू को भी 3-4 टुकड़ों में कट कर लेंगे। साथ ही यहाँ पे हमने किया है कढ़ाई को गर्म रख दिया है। कढ़ाई गर्म होने के बाद उसमें हमने डाला है कुकिंग ऑयल। आप चाहे तो सरसों का तेल भी यूज़ कर सकते हैं। साथ ही तेल जब गर्म हो जाएगा हम यहाँ पे अंडे को फ्राई कर लेंगे। यहाँ पे हल्दी नमक कुछ भी नहीं लगाया है। विदाउट हल्दी नमक लगाए हमने अंडे को ऐड किया है। थोड़ा सा अंडा फ्राई होने के बाद में हम ऊपर से ऐड करेंगे हल्दी और थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर। यहाँ पे नमक ऐड नहीं कर रहे हैं। इसी तरीके से हम इसे अब फ्राई कर लेंगे। थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए तब तक हमें फ्राई कर लेना है। अब ज़्यादा नहीं करना है, नहीं तो अंडा रबर जैसे लगने लग जाएगा, इसलिए हम हल्का सा ही फ्राई कर रहे हैं। यहाँ पे मैंने गैस की फ्लेम को कर दिया है स्लो और आराम से ही स्लो में ही हम पका लेंगे। हमने अंडे को निकाल लिया है। इसी तेल में हम ऐड करेंगे 1/2 चम्मच जीरा। जीरा चटकने के बाद उसमें हमने 2 तेज़पत्ता ऐड करेंगे। उसे थोड़ा सा हम फ्राई कर लेंगे। जब मसाले अच्छे से भुन जाएंगे जीरा और तेज़पत्ता, उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे हमारा बॉईल किया हुआ आलू और इसे स्लो आंच में ही हम इसे अच्छे से फ्राई कर लेंगे। जब तक हमारा यहाँ पे आलू फ्राई हो रहा है, थोड़ा सा क्रिस्पी हो रहा है, तब तक हम मसालों का प्रिपरेशन कर लेंगे। मसालों में यहाँ पे हमने लिया है हल्दी 1/2 चम्मच, लाल मिर्च पाउडर 1 चम्मच, धनिया पाउडर 1 चम्मच, जीरा पाउडर 1 चम्मच, साथ ही हमने यहाँ पे लिया है स्वाद के अनुसार नमक। इन सभी को पानी डाल के अच्छे से हम पेस्ट बना लेंगे। इसे 3-4 मिनट तक हमें फूलने देना है। या आप शुरुआत में भी कर सकते हैं या फिर आप तुरंत ही बना सकते हैं। जब तक यहाँ पे आलू आप देख सकते हैं अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, इसमें हम मिक्स किया हुआ हमारा मसाला ऐड कर देंगे और इसे अच्छे तरह से हम फ्राई कर लेंगे। जो भी पानी है अच्छे से सोख हो जाएगा। साथ ही यहाँ पे हम 1 कटा हुआ टमाटर ऐड करेंगे। यहाँ पे मैंने टमाटर को बारीक कट कर लिया है और इसे हम साथ में पका लेंगे। इसे हमें तब तक पकाना है जब तक सब सॉफ्ट ना हो जाए, मसाले अच्छे से पक ना जाए और पानी सोख ना हो जाए, तब तक हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे हमने मसालों में ही नमक ऐड कर दिया था, इसलिए हमें इसे नमक ऐड नहीं करना है। सभी को अच्छे से हम पका लेंगे जब तक पूरा पानी सोख ना हो जाए, ऑयल ऊपर ना आ जाए। तब तक पकाने के बाद हम यहाँ पे 1 ग्लास पानी यूज़ कर रहे हैं। आपको ग्रेवी किस हिसाब से चाहिए आप उतना ग्रेवी रख लीजिए। यहाँ पे हम 3 लोगों का प्रिपरेशन हो रहा है तो यहाँ पे मैंने 1 ग्लास पानी सफिशेंट है। साथ ही मैंने एक पैन लिया है, उसमें मैंने 1 चम्मच जीरा डाला है। जीरे को ड्राई रोस्ट करना है, अच्छे से भून लेना है। यहाँ पे थोड़ा सा कलर जब जीरे का हो जाए चेंज, तब तक हमें करना है। ओवर कुक नहीं करना है, जीरा चले नहीं, हल्का सा ही खुशबू आने लग जाए तब तक ही हमें जीरा भुनना है। साथ ही यहाँ पे मैंने अंडे को ऐड कर दिया है थोड़ा सा बॉल होने के बाद में। साथ ही जो हमने जीरा भुना था उसका पाउडर बना के ऐड कर दिया है। यहाँ पे भुना हुआ जीरे का खुशबू से बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है, खाने का टेस्ट बढ़ जाता है। चाहे तो आप 1-2 आलू गला भी सकते हैं चम्मच की सहायता से। यहाँ पे देख सकते हैं हमारा सब्जी बनके रेडी है और बहुत ही सिंपल रेसिपी है, खाने में बहुत ही टेस्टी है, झटपट बन जाता है। आप मिनिमम 10 मिनट में ये रेसिपी बना के आप खा सकते हैं और जो खाने में जितना टेस्टी है बनाने में उतना ही आसान है। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबा दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू फॉर वाचिंग, बाय।